शायद ही बहुत ही कम वालिदैन होंगे अगर आप उन्हें बिठा के पूछे ना कि बताएं शरीयत आपसे किस तरह की तरबियत का तकाजा करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तरबियत नहीं करते, वो अपने हिसाब से अपने खानदानी रस्म और रवाज, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपने तजुर्बात के एतबार से कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि शरीयत क्या कहती है, वो इसको बताने से कासिर है। और जब तक औलाद की तरबियत में रंगे शरीयत शामिल ना हो, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अनु जैसे औलिया कभी पैदा नहीं हो सकते कि वो चरसी, मवाली, शराबी, जानी, फेसबुक पे लड़कियों से चैट करने वाले, रात के 2:30 बजे फ्री पैकेज करके और सामने वाली को कुछ बैलेंस डलवा के खंबे के साथ खड़े होकर वो बहन से गुफ्तगू कर रहा होता है 5 बजे तक, ठीक इस तरह की औलाद पैदा होती है। तो हमारे जो इस मुसले होता है इस्लाह करने वाला, उसका एक बड़ा फायदा क्या होता है, वालिदैन को एक पुरसकून औलाद मिलती है, नेक औलाद, परहेजगार औलाद।